सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो कल्याण टीवी पंजाब ते मैं हर्षपाल सिंह। निजी मैरिज पैलेस विच गोली चलन कारण एक औरत जख्मी हो गई है, जिसनों दिल्ली हार्ट हस्पताल विच दाखिल करवा दिता गया है। DSP गुरप्रीत सिंह ने जानकारी देते हुए दस्या कि हाल की घड़ी जिहड़ी सूचना प्राप्त हुई है, एक 3 फार्म निजी मैरिज पैलेस है जिस विच गोली चल गई है, जिस नाल एक औरत जख्मी हो गई। उन्होंने कहा कि असी मामले की पड़ताल कर रहे हैं, जिस के खिलाफ भी बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जदों के कानूनी तौर पर मैरिज पैलेस में असला लिजाण की मनाही है, तो हमेशा उत्थे लिखा भी होंगे है, पर फिर भी लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते। जदों के पता हो कि उत्थे बच्चे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे हैं, तो सानू उन्हां दी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिदा है, तो नाल ही नियमों की भी पालना करती है। पिछले समय भी सरकार ने हथियारों नू लैके काफ़ी सख्ती वरती सी, जितों तक कि उन्होंने फोटोआं ते भी पाबंदी ला दी सी कि सोशल मीडिया से फोटोआं वायरल नहीं कर सकते, पर फिर भी अज मैरिज पैलेस के रिवालवर लैके जाना नियमों की उलंघना है, तो उत्थे गोली चल जाना तो किसी को जख्मी कर देना। हुण DSP गुरप्रीत सिंह सिटी 1 ने जानकारी देते हुए दस्या कि अपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सानू सारयां नू निजी तौर पर अपने ही ध्यान रखना चाहिए है कि सानू नियमों की पालना करनी चाहिए है, ता कि अपनी अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। नाल दी नाल तुसी तस्वीर देख रहे हैं कि उपरोक्त समय दी तस्वीर हैं जो वह दर्शाउंदियां हैं कि जदों किवें घटना वापरी। की कहना है गुरप्रीत सिंह, DSP ताऊ तुहानू सुणाउंदे आ। ये बीती रात 3 फार्म के गोली चली है, कोई शादी सी उत्थे, एक पासे कोई जैतो की पार्टी आई हुई सी, एक पासे बुढ़लाटे की, जो फिलहाल साडा इनवैसटीगेटर अफसर इनवैसटीगेट कर रहा है। तो जिहड़ी लड़की लेडी है वो गोली वजी है, वो एडमिट है दिल्ली हार्ट के, जो असी इस केस के जोड़ा है MLR वगैरह होर रिकॉर्ड लैके छेती कार्रवाई कर रहे हैं। जो पता लगे भी वो बैग से गोली लगी है।